नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाथ इंस्पायर टू हिंदी से, और आज हम बात करने वाले हैं एसुस आरओजी स्ट्रिक्स कार 2 के बारे में। तो दोस्तों, अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये आता है इंटेल कोर i7-8750H के साथ, GeForce RTX 2060 के साथ ये आता है, और इसका एक 2070 वाला भी वर्जन है। आइए इसकी एक अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स के अंदर आपको मिलता है लैपटॉप, मस्त से ब्लैक से कवरिंग में लैपटॉप आता है, बड़ा ही रेक्टेंगुलर स्लैब जैसा इसका डिज़ाइन है और देखने में काफ़ी सुंदर सा लैपटॉप है ये। इसके अलावा अंदर आपको क्या मिलता है, अंदर आपको मिलता है पावर अडैप्टर मिलता है इसको चार्ज करने के लिए, जो पावर ब्रिक है, और आपको मिलती है डॉक्यूमेंटेशन, वारंटी कार्ड वगैरह, और एक मैकेनिकल स्कल्पचर मिलता है ROG वाला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंटेशन, ये जो मैकेनिकल स्कल्पचर है इसको आप जोड़ के ROG का लोगो बना के अपने डेस्क पे रख सकते हैं। बिल्डो डिज़ाइन की बात की जाए तो इसके जो बैक पे आप देख सकते हैं कूलिंग सॉल्यूशन बहुत ही ज़बरदस्त दे रखा है, CPU और GPU को कूल करने के लिए मस्त LED लाइट्स इसमें दे रखी हैं सामने की तरफ पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे USB टाइप सी है, 3.5mm जैक है, HDMI पोर्ट है, इसमें एक LAN पोर्ट भी है, DC इन है, और भी अलग अलग USB पोर्ट्स है। राइट हैंड साइड पे आपका ग्रिल दे रखी है कूलिंग के लिए, वेंट जो है, और केंसिंगटन लॉक स्लॉट है, SD कार्ड है, USB पोर्ट है, और बॉटम फायरिंग स्पीकर्स है इसमें। सामने की तरफ डिज़ाइन देखेंगे तो गन मेटल ब्रश डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। मतलब ASUS के जितने भी आज तक के लैपटॉप्स देखे उनमें से सबसे एक ज़बरदस्त सा डिज़ाइन लगता है ये वाला मुझे देखने में। बैक पे आप देखेंगे तो ग्रिल दे रखी है ताकि वो एकदम कूलिंग कर सके उस लैपटॉप को, और यहाँ पे LED इंडिकेटर्स है बैक पे ही, और इसका जो डिस्प्ले है 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट वाला है, 3 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम, 100% sRGB कलर गैमेट है इसका, और IPS पैनल जो इस पर वो काफ़ी सही है, और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी काफ़ी बढ़िया है। बाकी अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो काफ़ी मतलब इंडस्ट्रियल सा लुक है इस लैपटॉप का, और इसका ट्रैक पैड भी ठीक ठाक ही है, पर मुझे मैकबुक वाले फोर्स टच ट्रैक पैड ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा अगर कीबोर्ड की बात की जाए तो आप इसका एक्सपीरियंस अभी आप सुन सकते हैं कैसा है। तो ये जो स्ट्रिक्स कार 2 है इसमें WASD कीज़ जो है वो हाईलाइटेड है, और हीरो 2 में QWER जो कीज़ है वो हाईलाइटेड है, मोबा प्लेयर्स के लिए होता है वो। बस यही एक डिज़ाइन डिफरेंस है दोनों के बीच में, और इसके अलावा ओवरऑल कीबोर्ड एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक बढ़िया था, और मतलब जैसे ये शायद से सबसे बेहतरीन लैपटॉप कीबोर्ड्स में से एक है जो मैंने आज तक इस्तेमाल किया, बिल्कुल मैकेनिकल वाली फील आती है। आइए अब स्पेसिफिकेशंस और बेंचमार्क्स के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस पर बहुत सारे बेंचमार्क्स वगैरह रन किए थे, और आप वो सारे स्कोर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर SSD की रीड राइट स्पीड की बात की जाए तो वो भी काफ़ी हद तक सही थी, और मतलब ठीक ठाक स्पीड है, नॉर्मल एक M2 NVMe SSD है। और अगर गर्म होने की बात की जाए तो ये लैपटॉप उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है, और इसका थर्मल डिज़ाइन ऐसा है कि जो आपका पाम के नीचे का एरिया है वो ज़्यादा गर्म कभी नहीं होगा। और आइए अब एक छोटा सा साउंड चेक करते हैं। तो इसमें डाउनवर्ड फायरिंग स्पीकर्स है जो कि नीचे की तरफ साउंड फायर करते हैं, और काफ़ी हद तक सही साउंड आता है इसमें एकदम बेस से भरा हुआ। गेम प्ले और FPS की बात की जाए तो इसमें RTX 2060 है 6GB वीडियो रैम वाला, और इस पर आप जैसे जितनी भी मॉडर्न गेम्स हैं उनको आराम से खेल सकते हैं, जितनी भी मॉडर्न AAA टाइटल्स हैं। 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स आराम से पॉसिबल है। अगर आप रे ट्रेसिंग इनेबल करेंगे तो आपको जो सेटिंग्स है थोड़ी बहुत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उतना ज़्यादा भी पावरफुल GPU नहीं है, RTX 2080 के मुकाबले तो उतना ज़्यादा पावरफुल GPU नहीं है, बट नॉर्मली आप 1080p अल्ट्रा पे आराम से किसी भी गेम में 60 से 90 FPS तक प्राप्त कर पाएंगे इजीली, और सारी सेटिंग्स को पुश करने के बाद भी। और अगर आप रे ट्रेसिंग इनेबल करेंगे कुछ गेम्स में तो आपको थोड़ा सा FPS ड्रॉप मिलेगा, लेकिन भविष्य में ऐसा लगता है कि जैसे जैसे DLSS और बेहतरीन होगा तो ये सब सही हो जाएगा। तो आपको 85 FPS तक मिल सकता है Far Cry 5 पे इस पे गेम्स खेलते वक्त, और वही RTX 2060 के साथ हमने जब PUBG भी चलाई थी तो एकदम आराम से 1080p अल्ट्रा पे आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त FPS आ रहा था, मतलब 100+ FPS चल रहा था। तो इश्यूज़ कहीं पे भी नहीं है, इजीली प्लेबल है इस पे सारी गेम्स, और हो सकता है कि ये जो PUBG वगैरह जैसी गेम्स हैं इन पे भी भविष्य में रियल टाइम रे ट्रेसिंग का अपडेट आ जाए और देखने में एकदम सुंदर हो जाए। इस लैपटॉप का जो प्राइस होगा वो होगा 1,64,900 रुपये के करीब, और इस प्राइस रेंज पे इस लैपटॉप में ऑलमोस्ट वो सब कुछ है जो कि एक बढ़िया गेमिंग लैपटॉप में होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति जो थोड़े समय तक रुक सकते हैं तो आपको थोड़ा और रुकना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इंटेल के 9th जनरेशन वाले मोबाइल चिप्स आएंगे तो इस लैपटॉप का एक रिफ्रेश्ड वर्जन आएगा, और तब वो एक अलग ही नया एक लैपटॉप हो जाएगा,
होगा और उसमें शायद से ज़्यादा परफॉर्मेंस वगैरह मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें, नीचे एक छोटी सी प्यारी सी घंटी है उसको बजा दीजिए और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।